दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। उसमें हम संजीव गुप्ता, तरुण श्रीधर जो डिप्टी कमिश्नर थे, और हमारे बीके शर्मा, बालकिशन शर्मा जो हमारे एसडीएम होते थे तब, और डॉक्टर अशोक कुमार सोमन जो हमारे बीच में है। सोमन साहब कांगड़ा धर्मशाला से आए, 3-4 साल में इन्होंने जो इस क्षेत्र में यहाँ काम किया पर्यावरण के क्षेत्र में, जहाँ तक तो सोमन साहब और नेकराम का संबंध है वो बड़ा गहरा है, मैं 2 मिनट में करना चाहूँगा। लगातार सोमन जी जो डीएफओ थे हमारे, रात को 10 बजे जाते थे हम लोगों के गांव में जा करके, वहाँ पर 500 आदमी इकट्ठे होते थे। सोमन साहब कहते थे, नेकराम जी साथ होते थे कि वन विभाग से आपको क्या चाहिए, मैं हूँ डीएफओ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इतनी खुली किताब बन करके सोमल जी हमारे बीच आए और इन्होंने नेकराम जी को पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया। राज्यों में ये प्राणी अनाज के उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं,1994-95 में तत्कालीन उपायुक्त मंडी एवं जिलाध्यक्ष युवा सेवाएं एवं खेल विभाग श्री तरुण श्रीधर जी द्वारा तत्कालीन उप निदेशिका सुश्री शशि पुंगा जी के कुशल नेतृत्व में जिला युवा समन्वयक अरुण शर्मा जी के सानिध्य में मुझे करसो के दुर्गम क्षेत्र 84 की 10 दिन तक की पद यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस 10 दिवसीय यात्रा में हमारे साथ मंडी जिला के लगभग 30 युवा शामिल थे, जिनकी अगुवाई श्री नेकराम शर्मा जी और श्याम सिंह चौहान जी कर रहे थे। कसौ की जनता की ओर से
जितने भी कैमरे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं उसमें क्या किया जा रहा है। हमने और इसके साथ ही विधायक जी नीतीश कुमार जी आप भी कोई सवाल करना चाहते हो किसी चीज से वो भी भूल द्वारा से कर रहे हैं और राजू की गलती नेकराम जी से मिलकर जो है यहाँ पर करसोग में लक्ष्य जगाई, पूरे जिला में लक्ष्य जगाई, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को साक्षर करने के लिए उनको बधाई देता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ करसोग की जनता को जिन्होंने नेकराम जी का सहयोग किया, नेकराम जी को जो है मनोबल ऊंचा रखा और जो है आज जो है भारत सरकार ने नेकराम जी की जो 30 साल की जो जर्नी थी, बहुत कठिन जर्नी होती है, एक साधारण परिवार से उठकर व्यक्ति और राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो शांति पुरस्कारों में दूसरे नंबर का पहले पद्म विभूषण होता है, दूसरे पर जो है पद्मश्री होता है, तो आज जो है इन्होंने पद्मश्री अर्जित किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इन्होंने पहचान दिलाई और एक छोटे से गांव से निकल कर जो इतने ऊपर तक पहुंचे हैं हमारे बीच आदरणीय नेकराम जी, वो उनके जीवन में हमारे जीवन में हमारे उनकी धर्मपत्नी जो कि कदम कदम पे उनके साथ रही, मैंने देखा कि दिल्ली में प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में भी मुस्कुराते हुए नजर आई मुझे, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि एक अच्छे आदमी की तरक्की के पीछे उसकी धर्मपत्नी का हाथ होता है, तो ये हम साक्षात देख सकते हैं। और मंच पे सम्मानित सभी जल्दी सम्मानित सभी सदस्यगण वो यहाँ पे उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गो हम उम्र नौजवान दोस्तों को मेरी माता बहनों आप सभी यहाँ इतनी भारी मात्रा में एकत्रित हुए, थोड़ा अंतर अगर अपने बच्चों को भी आते तो वो भी अच्छा था, सभी आप सभी इतनी दूर दराज से आए आप सभी का स्वागत हो अभिनंदन। आप लोगों को मैं बताऊं कि पुराने समय में जो है भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे आदरणीय नेकराम शर्मा जी जैसे ओजस्वी तेजस्वी लोग इस धरती पे जन्म लिए जिन्होंने की है कृषि के क्षेत्र में उस जमाने में इतनी तरक्की की, उस जमाने में इसको सोने की चिड़िया बनाया, लेकिन वो समय बीत गया था, उस समय को वापिस लेकर आ रहे हैं हमारे नेकराम शर्मा जी। मैं सोच रहा था एक दिन तो मुझे लगा कि हमारी प्रकृति को भी हमारे किसान वासियों पे थोड़ी दया आई होगी और ऐसे ऊर्जावान ऐसे जगह जैसे व्यक्तित्व को यहाँ पे करसोग में जन्मा जिन्होंने कि हमारे करसोग का नाम जो है पूरे प्रदेश में पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो है फेमस किया। आज जहां की हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है, हमारे तो हॉस्पिटल है किसी को पथरी है किसी को तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो प्राकृतिक खेती जो इन्होंने करके दिखाया है उस प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोगों को जाने की जरूरत है, उसके बाद हमारा जीवन भी लंबा होगा स्वस्थ भी रहेंगे। पहले तो किया ना जी 100-150 साल तक रहो जिंदा, तो इसीलिए जिंदा रहते थे क्योंकि उस समय का भोजन बहुत पौष्टिक होता था, उस समय के लोगों की जो सोच थी वो हमारे कृषि के जितने हमारे किसान होते हमारे अनाज होते उनको लेकर दूरदर्शी सोच थी और उसी दूरदर्शी सोच के साथ ही कार्य कर रहे हैं। 20 वर्षों के अथक प्रयास से इन्हें जो आज उपलब्धि हासिल हुई है भारत सरकार के द्वारा उसके लिए हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है। ये अवार्ड सिर्फ नेकराम शर्मा जी का अवार्ड नहीं है, मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सच में जो इन्होंने ये अलग मिलेट्स की जगाई है वो आने वाले समय में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आज विश्व का एक एक किसान इस उपलब्धि से गर्वान्वित हुआ है और हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों को मैं इस मंच से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। एक ऐसा बल मुझे आपने दे दिया कि अभी तक तो शायद मैं पहले 12-14 घंटे काम करता रहा हूँ, परंतु अभी ये आपका जो मुझे इतना प्रेरणा मिली अब मुझे कम से कम 3-4 घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे,
तो मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऑक्सीजन मिलेगी जो हर पल हम लोग लेते हैं सांस, और उस जंगल से, उस हरियाली से जो हमें क्लोरोफिल मिलता है, वो किसी भी फैक्ट्री में ना बना है ना बन सकता है, वो उसी जंगल से ही मिलेगा। फिर हम इन जंगलों के दुश्मन क्यों? फिर हम जंगलों का विनाश जो करते हैं उनके लिए हम लोग एक साथ मिल करके डट के मुकाबला क्यों नहीं करते? तो मैं ये भागवत जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए कि ये भी किरण स्रोत रहे हैं। और हमारे बीच में जो स्टेज का संचालन कर रहे हैं श्याम सिंह चौहान जी, पास कोई शब्द नहीं है कि जो मैं इनके लिए इस्तेमाल करूं। तो बहुत प्रेरणा इनसे हमेशा मिलती रही है। और इसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप रहा है 1990 बानवे के बीच में, जिसमें मुझे आज ये सब चेहरे याद आ रहे हैं, मैं किन किन का नाम लूं। और तभी ये हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, हमारी भूमि माँ हमें गर्म चीजें, गर्म अनाज हमारी खेती में पैदा करती है, ताकि जो भूमि माता के जो बच्चे हैं वो ठंड में ठीक रहे, है ना। तो जब सर्दी आती है तो गर्म चीजें, जब गर्मी आती है तो उसके लिए ठंडी चीजें पैदा करती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो जंगल भी है, आप देखें कि हमारे जंगलों में जब आदमी के शरीर में जब उसके जो है आयरन का डेफिशिएंसी होती है, तो ठीक उसी प्रकार आजकल उसमें हमारा के चनार तैयार हो गया, उसमें बहुत सारा आयरन है। हमारे फेफड़े पकने वाले हैं और वो खा लिए पूरी साल भर के लिए, हम मानव के शरीर की जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ये पूरा तरह से बिल्कुल एक साइंटिफिक ये सच्चाई है, और उसको हम लोग खाते थे। और एक समय था कि जब हमारे दादी नानी जंगल जाती थी घास लाने, उनके पास बहुत सारा वो चमकदार कोई बर्तन नहीं होते थे, वो हमारे लोकल भाषा बोलते तुमड़े, तो तुमड़े का बर्तन होता था, उसमें धागा रखा होता था, वो उसमें पानी जंगल ले जाते थे, ठंडा शीतल पानी रहता था। आज भी कभी आप पी के देखना, फ्रिज उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इतना शीतल पानी उसमें रहता है। तो वो भी नेचर पैदा करता, और वो जंगल से जब हमारा दादी नानी घास लेकर के आती, तो उस तुमड़े में वो वहाँ से त्रिम्बल, उसमें से वो पूरी, उसमें से कैंत, उसमें से ये हमारा फेगड़ा, इस तरह के जो फ्रूट हैं वो घर के लिए लाते थे। हम छोटे छोटे थे तो हम इंतजार में होते थे, हमने तुमड़ा पकड़ना और उसको निकाल के उसका सारा जितना उसमें फल है उसको धोना और उसे उसको खाना, और उसको ज़्यादा नहीं खाना, उसके लिए भी समाज में बड़ा वो जो हमारे उस वक्त के ऋषि मुनि लोग थे, वो भले ही उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई की, मगर ज्ञान था, शरीर का ज्ञान था, समाज का ज्ञान था, जो शायद आज उस बात में बहुत कमी आई है।